咳咳咳咳 इस बिल्लर मन असल नाजरीन आप देख रहे हैं नाइनटी टू एट एट विद साथ यावसार. आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जहलम और विहाड़ी में होने वाले बाई इलेक्शन के हवाले से जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का यह दावा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है और इन्होंने जो कैंपेन की है उससे लगता यह है कि बाद में धांधली के इल्जाम लगाएंगे आ, वेल जो इनका एक दावा था वो तो सच ही साबित हुआ कि पीटीआई अभी भी धांधली के इल्जाम लगा रही है फवाद चौधरी साहब जो कि जेहलम से पीटीआई के कैंडिडेट थे आ, हल्का एन ए तिरसठ से उन्होंने चौहत्तर हजार आठ सौ उन्नीस वोट जो है वो हासिल किए हैं सात हजार के मार्जिन से यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट जो है वो कामयाब हुआ है और हल्का पीपी -पी दो सौ बत्तीस बुरे वाला का जो है जहां से आयशा नजीर जट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी उन्होंने पचास हजार दो सौ सड़सठ वोट जो है वो हासिल किए हैं यहां पर मार्जिन जो है वो बहुत कम देखने को मिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट ने इक्यावन हजार तीन सौ तेईस जो हैं वो हासिल किए हैं यानी तकरीबन 1050 वोटों से कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान मुस्मिंग नवाज के कैंडिडेट को ये इतमान बख्श रिजल्ट है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए या इस कम मार्जिन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो आइंदा दो के इलेक्शन को सामने रखते हुए किसी परेशानी का शिकार हो सकती है इस पर भी बात करेंगे और मुल्क में जो तहारीख अनाउंस हो रही हैं जो सिलसिला एक जारी है तजाज का परसों से यानी तीन तारीख से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में रैली करने जा रही है उसमें दीगर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी उनका साथ देने का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानब से भी यह बात की गई है फिर शेख रशीद साहब की अवामी मुस्लिम लीग भी उनका साथ देने का ऐलान कर चुकी है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि वो पीटीआई की तमाम रैलियों में शरीक होंगे एक अलामती निशानी के तौर पर अब ये मामला कहा जाएगा पैनमा लीक्स का क्योंकि कादरी साहब एक तरफ कहते हैं कि अब के और एहतसाब दोनों चीजें साथ साथ होंगी एक तरफ तहरीक के सास है एक तरफ तहरीक एहतसाब है और एक तरफ शेख रशीद की तहरीक निजात है आखिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है फिर पैनमा लीक्स के मामले को लेकर ऑपोजिशन ने सेनेट में एक बिल जमा करा दिया है अब बिल ये कहता है कि इसमें जितने भी नाम आए हैं जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं 630 सौ तीस शख्सियात हैं उन, उनको चाहिए कि वो अपने अकाउंट्स तक रसाई देने का मुख्तारनामा दें जिसके वो पाबंद होंगे बल्कि मुल्क से बाहर भेजे गए सरमाए की खोज के लिए भी फॉरेंसिक ऑडिट की तजवीज जो है उसमें पेश की गई है इस पर पाकिस्तान सिमिंग नवाज का क्या मौकफ है ये जो पैनोमा पेपर्स इंक्वायरीज एक्ट 2016 के नाम से बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया है इस हवाले से भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो आज शाम में ही अब से थोड़ी देर पहले ही एमक्यूएम के हवाले से डिवेलपमेंट हमारे सामने आई है कि बाईस अगस्त को जो हरजा सराई अल्ताफ हुसैन ने की Uh, काफी दिनों की खामोशी तकरीबन 10-11 दिनों की खामोशी के बाद एमकेएम लंदन का जो है उस पर रिएक्शन आया है बासिर जलील ने जो ट्वीट किया है और मुस्तफा अजीजाबादी ने जो ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं कि नेशनल असेंबली में कोई करारदाद उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसको मंजूर नहीं करेंगे और अल्ताफ हुसैन के बगैर वो कहते हैं कि जी हमारी पार्टी कोई नहीं है कुछ नहीं है और फारूक सतार के हवाले से नाम तो नहीं लिखा लेकिन ये जरूर कह दिया कि माइनस वन फार्मूला जो है वो उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आगाज में बात करेंगे कि ये एमकेएम का जो मामला है ये कहाँ जा रहा है एक तरफ एमकेएम uh, पाकिस्तान uh, कहती है कि जी हमने अपने पार्टी परचम से अलताफ हुसैन का नाम भी निकाल दिया है अलताफ हुसैन के हर जगह पे तस्वीर जो हैं और पोस्टर्स जो हैं वो उतारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ एमकेएम लंदन बा पाकिस्तान जब नजर आ रही है इस पे आगाज में बात करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा बहुत शुक्रिया आपकी तशीफ आवरी का समसाम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं आपको भी खुशा अहदीदी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशीफ अवरी का भी और अभी थोड़ी ही देर में बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सबक वजी अला पंजाब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मियां साहब पहले जुबैर साहब जरा एम क्यूएम के हवाले से बात कर लें क्योंकि काफी दिनों से बहस भी हो रही है फिर इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये भी सवाल आप लोगों के सामने उठाया जा रहा है लेकिन फिल वक्त ये जो डेवलपमेंट हुई है एमक्यूएम लंडन एक तरफ अपना स्टैंड लेकर और एम क्यू एम पाकिस्तान इसको आप कैसे देख रहे हैं मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड था अच्छा? बिल्कुल जिसको कहते हैं इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम क्योंकि अल्ताफ हुसैन एम क्यूम ज़ाहिर बानी और अ, सब कुछ अल्ताफ हुसैन ही के नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा तीस पैंतीस साल अल्ताफ हुसैन और वोट भी मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन ही के नाम पर सब लोग देते थे और अन नोन नेम्स आके एम पी और एम एन ए और मिनिस्टर्स और सैनिटर्स बनते रहे हैं सो वो सब अल्ताफ हुसैन के नाम था गुड और बैड बट ये रियालिटी है आ, और जब उनको बिल्कुल उनसे का कालान पहले किया लेकिन प्रेशर ज़ाहिर है एमकेएम पाकिस्तान पर माउंट हो रहा था कि ये इनफ़ नहीं है सिर्फ लातलुकी इनफ़ नहीं है आ, अगर अलताफ़ हुसैन रिमेन्स रेबर या तहजीब के बानी हैं वट तो और फिर उनका मैनिफेस्टो है और कंडमनेशन बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए सिर्फ ये नहीं कि ला तल्लुक़ी का लान तो वो एक डिफ़िकल्ट फेस तो है एम एम पाकिस्तान के लिए फारूक सत्तार लेड एम एम पाकिस्तान के लिए बहुत ही मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल तरीन उनके लिए ये आ, पीरियड है जब से एम एम बनी है एट द सेम टाइम जो लंदन में अलताफ हुसैन के साथ लोग बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी उनके चाहने वाले अभी भी मौजूद होंगे जो उस तरह से नहीं बढ़ चढ़ के बोल सकते अभी तो वॉल कराची में, में बदला ग्रुप एक नई चीज exactly. तो है मेरा ख्याल है कि ये नारे तो, लिख रहे हैं बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था और ये एक एमकेएम को ओन करने की उनको ओन करने का मतलब ये जो सपोर्ट है जो अवाम है उसको अपने साथ लाने के लिए दोनों पार्टीज बल्कि तीनों जो वो है मुस्तफा कमाल की पार्टी भी वो उसी अवाम पर नजर है सबकी तो मेरा ख्याल है इतनी आसानी से तो अल्ताफ हुसैन और उनके साथ ही मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बताती चलूं कि हमने एम पाकिस्तान क्योंकि एमक्यूएम लंदन का भी रिएक्शन आया है तो एम पाकिस्तान का इस पर क्या मौकफ है उनसे रहा किया उनके काफी लोगों से राबता किया लेकिन उन्होंने फिलहाल अपना मौकफ देने से इंकार किया है क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी मीटिंग होगी उसमें पार्टी पॉलिसी का तयन होगा और उसके बाद जो है वो मीडिया पर इस हवाले से कोई बयान दिया जाएगा बटू साहब आपसे जानना चाहेंगे इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से भी मुलाकात हुई एक डेलीगेशन एमक्यूएम का मिला है और इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की मदद मांगी गई है इस पर क्या कहेंगे और जो करारदाद अगर वाकई में एम पाकिस्तान लेकर आती है नेशनल असम्बली में तो वाकई में तमाम जमाते साथ देंगी देखिये साजिया अफजाल इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं कि जो सियासी जमात पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करती और उसकी निगेशन करती है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करती है और लोगों को उकसाती है तो उनको सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए अब यह है कि ये अमल हो गया और अलताफ़ हुसैन जो बानी है इसके जो कायद है इस जमात के उनकी अपनी जबान से हो गया जिसपे कोई एम्बिगटी नहीं है अब यह है कि क्या इस जमत को इस जमात के तौर पर पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त होनी चाहिए तो उसके लिए ये बाकी लोग जो हैं इन्होंने सर जोड़ा है और सर जोड़ के बैठे हैं और इन्होंने कहा है इसका रास्ता निकाला है कि हम इल्ताफ़ हुसैन की जो बात है पाकिस्तान के खिलाफ उसकी मजम्मत करें और उनका नाम भी झंडे से निकाल दें और बाकी चीजें भी जो हैं वो करें उसको अन करें उनके जो, उनकी जो लीडरशिप है उसको अन करने की कोशिश करें इस सिलसिले में उन्होंने ये इकदाम किया और पार्लियामेंट के अंदर भी एक राजदार लाने की वो जो उन्होंने बात की है वो कर रहे हैं इसलिए कि ये बिलाशुबा इंतहाई संगीन मामला है और संगीन मामला इतना है कि मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद महाजरीन को सोचना चाहिए सादिया मैं खुद महाजर हूं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर का और मैं समझता हूँ कि महाजर जो है उन्होंने पाकिस्तान के खातिर कुर्बानियां दी हैं कराची के महाजर हों हैदराबाद के हों या उकाडा के हों उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो अपने घर बार छोड़ के आए हैं अपनी जमीनें छोड़ के अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के आये अपने माँ बाप की दादे की खानदान की कब्रें छोड़ के आए वहां हिन्दुस्तान में और, और और उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इतनी कुर्बानियाँ दी जितनी किसी ने नहीं दी उनके उन, 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 उनकी नुमाइंदगी करने वाला शख्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करे और लोगों को उकसाए तो मैं समझता हूँ कि ये उनके बुजुर्गों की वो तो डेफिनेटली आप कहते हैं कि किसी को भी किसी भी सियासी जमात को जा, वो काबले कबूल नहीं हो सकता ठीक है मैं बटू साहब दोबारा भी आपकी जाने पाती हूँ लेकिन इसी पे मैं शमसान बुखारी साहब आपका भी मौकफ चाहूंगी आपके लिए भी दिस वॉज एक्सपेक्टेड जो आज एम केम लंडन की तरफ से रिएक्शन आया है जबकि यहां पर बैठकर बात हो रही है अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकी की उनका नाम निकालने की और तमाम तस्वीर हटा देने की और ये वाला वासे जलील का और मुस्तफा आजीज आबादी का ट्वीट आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था जी आ, आ, साधिया आई थिंक दिस वॉज एक्सपेक्टेड उसकी वजह यह है कि वो लंदन में बैठे हुए हैं और अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस तरह ऑपरेट किया है वो बिल्क, बिल्कुल इस तरह किया है जैसे को फाशिश तनजीमें करती हैं बाकी मैं मियाँ साहब की बात से मुतफिक हूँ कि जो भी जमात या फर्द पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो उस पर पाबंदी भी होनी चाहिए और पाकिस्तान से कोई ताल्लक नहीं होना चाहिए अब मेरा तो आइंदा आने वाले दिन फैसला करेंगे अगर तो एम क्यू एम एक सियासी जमात बनना चाहती है तो उनको अलताफ हुसैन से और हर ऐसे शख्स से जो पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करता है उससे उनको एलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी और कंडेम करना पड़ेगा और अगर वो सियासी जमात नहीं है तो फिर उसको और रास्ता लेना पड़ेगा अब लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये वक्ती फेज है कि मामले को कूल डाउन किया जाए अगर तो ये वक्ती फेज है तो फिर तो ये बड़ी ज्यादा है जो एम के एम के लीडरान इस वक्त बैठे हुए हैं और अगर वाकई उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अल्ताफ हुसैनजोबोर और एनी बॉडी जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करे वो उनको नहीं चाहिए तो फिर एक खुशायद बात है एक सियासी जमात है उसको रहना चाहिए ओके एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो विहाड़ी का और जेहलम का इलेक्शन हुआ कल उसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करेंगे पीटीआई ने धांधली का इल्जाम एक बार फिर से लगाया है और तहारीख का जो सिलसिला है और परसों तीन तारीख को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की रैली है उसमें अपोजिशन पार्टीज ने उनका साथ देने का फैसला किया है ये मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगी और क्या हासिल करना चाह रही अपोजिशन पार्टीज इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदी सबसे पहले तो जुबैर साहब ये जो रिजल्ट आए हैं ठीक है जी शेर एक बार फिर से जीत गया बाजी ले गया लेकिन बल्ले वालों ने फिर से धांधली का इल्जाम लगाया है और ये बहुत क्लोज मार्जिन हम देख रहे हैं खासकर ये जो विहाड़ी का रिजल्ट है एक हजार पचास परेशान कौन बात है या देखिए इलेक्शन रिजल्ट जब भी आता है तो वो उसकी एनालिसिस होती है और उसमें से एक मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं Uh, पहली बात तो यह हमारे नजदीक एक चीज तो कि पीएमएल एन इज बाय फार द नंबर वन पोलिटिकल पार्टी वो तो रिकोगनाइज होगी कि अगर आप गुड सेकेंड आते हैं अगर आप क्लोज मार्जिन से हारते हैं तो बड़ी फतेह होती है और वो पीएमएल एन के लिए लमे फिक्रिया कहा जाता है कि जी देखिये कितना क्लोज मार्जिन था नहीं वी आर एक्सपेक्टेड टू विन ईच एंड एवरी इलेक्शन बाय इलेक्शन ठीक है लेकिन मैं ये मैं 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 कह रही हूँ कि 2013 के इंतजाम में पीटीआई ने यहाँ से दो हजार दो सौ पचास हजार वोट के लिए मेरे पास भी एनालिसिस है मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हमें हर इलेक्शन जो है वो जीतना पड़ता है चाहे वो बलोचिस्तान में हो रहा है चाहे वो पिशावर में हो चाहे वो इंटीरियर सिंध में हुआ बदीन में और चाहे वो आजाद कश्मीर में हो तो हमें एक तो वो फ्रॉम अ डिलीवरी स्टैंड पॉइंट के हमारा फोकस रो बिल्कुल पीटीआई हैज डन एक्सट्रीमली वेल दोनों इलेक्शंस में जेलम में भी और उसमें काम का नहीं, वो नहीं है वो कैंडिडेट की वजह से कहा था मैं, मेरा ख्याल दे हैड द बेस्ट कैंडिडेट क्योंकि जो उसने वो गैप फिलअप किया था जो पीटीआई लैक करता रहा है हमेशा कि एक तो इलेक्शन की तैयारी कैसे करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जलसा कर लिया एंड यू थिंक स्ट वोट तो एवरी एस्पेक्ट उसने क्लोज किया था फिक्स किया था हालांकि इस्लामी ने अनाउंस किया वो नहीं कि... कर रही थी, थी।, थी। पीटीआई का खुद का कैंडिडेट कह रहे हैं जमात इस्लामी ने वहाँ उनके हक में जहाँ तक हारने का ताल्लुक है जहां तक धांधली का ताल्लु है तो मैं अभी भी शमशान से आपको कहूंगा बीस साल हो चुकी हैं पीटीआई के बीस साल आखिर हम एक तो यूसी का इलेक्शन एक तो यूसी का इलेक्शन सही जीते होंगे ना क्या हम मुबारकबाद हमें देते एक दफा तो मुबारकबाद देते कि जी अच्छा जी आप जीतें मुबारक मुबारकबाद फिर आप ये लगा ये, ये, ये मुबारकबाद के पता क्यों ये आदि हो गए इनके इर्द गिर्द जो रहते हैं ना ये बस मुबारक सलामत इसी पे ये चलते हैं और तो किसी की जगह ही नहीं इनकी जमात में <laughs> मैं, मैं गुजारिश okay. ये करना चाहूंगा कि धांधी का इल्जाम तो और बात है ये जो बुरे वाले का इलेक्शन हुआ दो सौ बत्तीस ये मैंने हैंड जोन लड़ा है और वो बची जिसको हराया गया है कल रात को वो मेरी बेटियों की तरह मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये मैंने खुद वहां देखा है दो दो तीन तीन वोट जो पड़े हैं कल रात में वहां से निकला हूं फिर मैं उखाड़ा आया हूं उस वक्त मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि यकीन कीजिए कि ये असल में घबराए हुए हैं इन रिजल्ट्स के साथ क्योंकि मैं आपको अब भी कहता हूं कि दो सौ बत्तीस का अगर रिकाउंटिंग सही तरह होगी सोलह सौ सो से ज्यादा वोट इन्होंने मुस्रद कर दिए रेंजर्स के लिए एक नई प्रोविजन इन्होंने निकाल दी कि जहां आर ओ साहब नहीं कहेंगे वहां नहीं जाएगी तो कॉन्टिन्यूसली जर्स कई जगह पे जरूरत थी मगर आर ओ साहब ने नहीं कहा कि वो वहां जाए सूरत हाल ये है बाकी जेलम के जो रिजल्ट है आप ये कहें फलाना हमारी मदद नहीं कर रहा था फलाना हमारी मदद नहीं कर रहा था और ये था और वो था जेलम में जो वोट पड़े हैं इनके लिए लम्हे फिक्रिया होना चाहिए मगर पीपी पी दो सौ बत्तीस का मैं आपको यकीनी तौर पर कहता हूँ कि वो इलेक्शन जो है वो चुराया गया है वो सामने आ जाएगी बात जो है बाकी रही बात इनकी, इनकी आपसे भी जानना चाहूंगी इसी हवाले से मैं पीपल्स पार्टी कहाँ पर है चले पीटीआई की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अगर दो का इंतार जो है वो चुराया गया है एन ए सिक्सटी में भी बड़ा क्लोज मार्जिन uh, रहा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा लेकिन पीपल्स पार्टी कहां चली गई है यहां पे बाई इलेक्शन में काम नहीं आ रहा यू थिंक कि दो हजार अट्ठारह के इंत में हो जाएगा साजिया एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं ये गवर्नमेंट पार्टी ने जीतने होते हैं अगर गवर्नमेंट पार्टी बाई इलेक्शंस भी नहीं जीतती तो फिर उसका पत, पता चल जाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत डिक्लाइन पे है तो इससे जीतने होते हैं दूसरी बात जो है वो आप कर रही हैं ये दो सौ तेईस हल्के की बात कर रही हैं तो ये जो शाह साहब हमारे मोहतरम भाई हैं जिन्होंने जिस बच्ची को सपोर्ट किया है इस बच्ची के भाई को हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे पिछला बाई इलेक्शन लड़वाया था कौमी असम्बली का और मैं उस मैं उस इलेक्शन का इंचार्ज था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो हमने वो बाई इलेक्शन जो है वो सूबाई हुकूमत अगर के नून लीग की थी मुकाबला नून से था लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इस बच्ची के भाई का इलेक्शन हमने जीता था कौमी असम्बली का इलेक्शन और ये जो है ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये ऐसे उड़ने वाले परिंदे हैं ये थोड़ा सा देखते हैं कि किसी पार्टी की जरा बात थोड़ी बेहतर बन रही है तो उसके कैंडिडेट बन जाते हैं अभी ये पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने कांटेस्ट किया है अगले इलेक्शन में अगर चेयरमैन बलावल भुट्टो साहब की कोशिश की वजह से और पार्टी की एक्टिविटी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात ठीक हुए तो वहां और अच्छे कैंडिडेट आ जाएंगे और अगला इलेक्शन तो साहब ये ये वाकई आपको फिर यकीन है कि ये जो पंछी उड़ के जा रहे हैं इलेक्टेबल्स पीटीआई के जाने पंजाब में खासकर आपको यकीन है कि ये आ जाएंगे दो हजार अट्ठारह से पहले पीपल्स पार्टी की तरफ वापस यानी वो तंजीम साजी और तमाम मामला इतना गौर हो रहे हैं उन ये साजिया उस पार्टी में आ जाएंगे जिस पार्टी के हालात बेहतर इनको नजर आएंगे कि उनकी फिजा बेहतर होगी है हवा बेहतर होगी है और उनका इम्प्रेशन बेहतर हो गया है और वो पार्टी जो है उसका इम्प्रेशन ये हो गया कि वो इलेक्शन में जीतने के लिए आ रही है तो उसमें आ जाएंगे और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालात ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो गए हैं है। जब से बिलावल भुट्टो साहब ने पार्टी का परचम थामा है और जब से मसालत की पॉलिसी जो है उसको हमने खैरबाद कह दिया है और मौजूदा गवर्नमेंट जो है नवाजी की उसको अपोज करने का फैसला किया है और उसकी गलत पॉलिसीज को अपोज करने का फैसला किया है तो उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात जो है वो पीपल्स पार्टी हालात जो वो बेहतर हो गए ठीक है मैं जरा इस पर भी आऊंगी रिकनसिलेशन और मसलेहत और मुफाहमत की पॉलिसी को खैर बात कर दिया है जी मुकम्मल कर लें आप बात वटू साहब और और अभी बिलावल साहब का प्रोग्राम जो बन गया है वो है अभी सितंबर में वो आ रहे हैं और वो जल्द वो अपनी प्रोग्राम जल्सों का आगाज कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि वो वो अपने जल्सों का पंजाब में आगाज उकाड़ा से करेंगे और उसके बाद वो हर डिस्ट्रिक्ट में जलसे करेंगे और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में पहले करेंगे और आ, आ, और एक टेम्पो बनेगा बिलावल साहब के आने से वो एक फलसफा लेके आएंगे चलिए वी विल डेफिनेटली सी दैट कि वो क्या बनता है लेकिन मैं जरा एक सवाल जुबैर साहब से कर लू फिर एक ब्रेक पे भी जाने जुबैर साहब ये जो धानली का मामला है क्योंकि 2014 के भी धरने देख लें वो शुरू ही यहां से हुआ चार हल्के खोलने का मुताबा अब वो जो कमीशन बना कुछ सिफारिशात आई कुछ उनकी अपने रिमार्क्स कुछ उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी मेरा सवाल ये कि 2018 में भी क्योंकि उसपे काम होता तो नजर आया नहीं कोई रिफॉर्म्स नजर आ नहीं रहे हमें आज दो हजार में भी फिर इंतबाब होंगे और फिर आपकी तरफ से पीटीआई की तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस भी जमात की तरफ से दोबारा ये धानी की चीजें आई हमारी तरफ से नहीं आएगा तो फिर हमारे क्या? हमने कभी शुरू नहीं किया लेकिन मैं एक थोड़ी सी छोटी सी एक मिनट में हिस्ट्री बता दूं कि ये जो होते ना देखें या तो ये हो कि एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाए 2008 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें साधिया जब जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने थे तो सात आठ साल के बाद मिया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उससे एक दिन पहले पहुंचे थे मतलब तो मैं प्रिपरेशन के हवाले से लैक ऑफ प्रिपरेशन हुँ। के हवाले से बताऊं और उस वक्त तो मुशर्रफ साहब बैठे थे प्रेसिडेंट हमारा कोई अमल दखल नहीं था पंजाब में हुकूमत हमारी बनी उसके बाद से दो हजार आठ से लेकर दो हजार तेरह के दरमियान जब पीपल्स पार्टी की फेडरल हुकूमत थी तो नाइन्टी परसेंट बाई इलेक्शन जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीते जितने इंटरनेशनल सर्विस हुए इंटरनेशनल लीडिंग अप टू द 2013 इलेक्शंस एक में बता दें जिसमें यह हो कि जी कौन सी पार्टी जीतेगी जिसमें कोई पीएमएलएन एम एल एन के कोई कहा गया था उसके बाद अगर आप अभी जब नया इलेक्शन कमिश्नर आए हैं नए इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई और पीपीपी की बरसी से आए हैं अभी ये आ, आ, कास्ट करना कि इन्होंने ये किया ये तो ऐसे अवाम को बताते हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंडर इलेक्शन हो रहे थे वो इलेक्शन कमिश्नर मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर हूं मैं तो ये कहूंगा यार मैंने किया क्या गलती हुई क्या, क्या है हर चीज वही इन्होंने ये किया भाई इन्होंने क्या मतलब ना कि उस पर रिफॉर्म्स में आपकी अच्छा रिफॉर्म्स का रिफॉर्म्स का मैं बता देता हूँ रिफॉर्म्स का मैं बता देता हूँ कहने की बातें नजर नहीं आई जल्सों की बात होती है जो नेशनल असेंबली या सेनेट की कमेटी है जो रिफॉर्म इलेक्ट्रिक रिफॉर्म कमेटी है उसमें मिसाल के तौर पर आरिफ अलवी भी हैं पूछें कि वो आते कितनी दफा दैट्स प्रिस बिकॉज दैट इज नॉट द पॉइंट दैट इज नॉट द पॉइंट दे आर प्रिपेयरिंग कि जब वो हारेंगे 2018 में तो कहेंगे जी धांधली होगी धानी होगी धांधी काम ही रिफॉर्म्स लाओ ना हो रिफॉर्म ओके फिक्स फिक्स करें ना शोर में चाहे उसी तरह से शोर में चाहे की जी इलेक्ट्रोन रिफॉर्म कमेटी में काम नहीं हो रहा कभी आपने आवाज़ सुनी है कोई आवाज नहीं आई इलेक्शन होता है एक बार जाते हैं उसके बाद शोर में चाह रहे ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे स्टेट्यूट वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशहदीसाम बुखारी साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी जिससे हम ब्रेक पे जाने से पहले वट्टू साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या करना है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आ रहे हैं और फिर जल्द से मुनद कराए जाएंगे तो लगता यही है कि वो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ कौन दी अदर हैंड क्या इलेक्शन की तैयारी है ये रैलियां या फिर जो मकासद बयान किए जा रहे हैं कि एहताब के लिए है पैनामा लीग में जिन लोगों के नाम आए हैं उनका एहतसाब है होना चाहिए कादरी साहब जो है वो किसास को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं अचीव क्या करेंगे और ये जो परसों की रैली है खासकर ये कितनी परेशानी का बायस बन सकती है हुक्मरान जमात के लिए जिसादिया सबसे पहले तो मुझे आ, बड़े एहतियात से गुफ्तु करनी पड़नी है क्योंकि कई क्यों हवालों के साथ मियाँ साहब से मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है बल्कि अगर अगर मैं ये कहूँ कि एक घर है तो उसमें भी कोई कोई ऐसी बात नहीं है मैं तो हमेशा एडमिट करता रहा हूं। मगर अदबन मेरी गुजारिश ये होगी कि मियाँ साहब बखूबी समझते हैं मैं भी पीपल्स पार्टी से ही आया हूँ कि क्या पंजाब की पीपल्स पार्टी और सिंध की पीपल्स पार्टी की सोच एक है मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमायत के बारे में जो पहले रही है दूसरा मैं मियाँ साहब का जी तौर तो पर शुक्रगुजार हूँ कि कल शाम को जब इनकी पार्टी ने फैसला किया तो इन्होंने मुझे फोन करके ये फरमाया कि हम आ रहे हैं आपकी रैली के साथ जिसको मैंने वेलकम किया आज एक और प्रोग्राम में भी वेलकम किया और मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं समझता हूँ कि ऑपोजीशन तमाम इकट्ठी होगी तो बहुत अच्छा होगा अकेले अकेले चलने का फायदा नहीं है उसके लिए मैं करता हूं अब जलसे की बात की मियाँ साहब ने तो मुझे यकीन है कि अगर वसावे वाले में जलसा होगा तो जलसा हो जाएगा पीपुल्स पार्टी का क्योंकि वहां मियाँ मंजूर अहमद वटू बैठे हुए हैं जलसा बसावे वाले में ये किसी वक्त भी हो सकता है कोई मसला नहीं है। मगर और क्या हालात है और ये ये क्यों हुआ ये जो पिछले ढाई साल तीन साल से पीपल्स पार्टी ने किया और कुछ लोग तो चलो इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए मगर कुछ लोगों के वाकई ये अग्रीवियंस थे उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं नून लीग को तो वो चले गए लाइक माई सेल्फ मिया साहब बखूबी जानते हैं मेरे इज्जत भी करते हैं और और मैं इनके साथ नायब सदर था पंजाब का मैं गुजारिश ये करता हूं कि जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं हम अपने भी तैयारी कर रहे हैं मगर ये जो रैली है ये ना किसी को डराने के लिए है ना धमकाने के लिए है ये सिर्फ इसलिए है कि पैनामा लीक्स में एक नाम आ गया वजीर आजम साहब ने खुद आके कौम से खिताब करके ये कह दिया मैं अपने आप को एहत के लिए पेश करता हूँ फिर उन्होंने असेंबली में एक तकरीर फरमा दी कि मैं करता हूं तो हम तो यही कह रहे हैं कि जो आपने कहा है वो कर दें और जिस जिस के भी नाम पैनामा पे, पेपर्स में हैं और ये आप समझते हैं कि जर्नलिस्ट की एक तंजीम है जिसने ये निकाले और वहां से ये लीक्स आई हैं ना तो ये पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से आई है और ये ये जो है आई है तो अपने आप को पेश कर दें अब उसी पर टीओ आर नहीं बन रहे भाई क्या 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 बात है इसको क्यों इतना ड्रैग किया जा रहा है अगर लेकिन जिस तरीके से अब एक बयान के वजीर आजम का छुटकारा जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन के बनाए गए टीओ आर में है तो इसका मतलब है वो वजीर आजम के नहीं, लिए बात मैं, मे, मेरी जो हुई जिस वक्त हम राबे में थे इंगेज कर रहे थे तो मेरे में इलम्बे क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में जाती तौर पर इस वक्त हूं नहीं तो टीओ आर जो है टीओ आर जो है वो वही है जो वजीर आजम के लिए और एक आम आदमी के लिए सेम है उसमें ये नहीं है कि किसी और को कोई छूट है और अगर इन्होंने कहा है ये, ये फ्रंट तो फिर आए अपने आप को पेश करें और अगर ये पाक होंगे तो मुझे तो खुशी होगी वजीर आजम पाकिस्तान जो को कैसे पाक करने जा रहे है आप जो कह रहे हैं हमें तो खुशी होगी अगर वो हो जाते हैं लेकिन ये जो मामला अच्छा, है इसमें पीपल्स पार्टी ठीक है एक अलामती तौर पर तो जा रही है रैलीज में जलसों में उनके साथ देने के लिए लेकिन बाकायदा तौर पर अपने तय एक पार्टी के तय जो है वो एहतजाज के लिए सड़कों पर अभी भी आने का ऐलान नहीं किया उसने देखिए मैं आपको अर्ज करूं एक तो शाह साहब की बात जो है उन्होंने जो फरमाया है कि पंजाब की पीपल्स पार्टी और सिंध की पीपल्स पार्टी के व्यूज में नून लीग के हवाले से फर्क है तो मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त कोई फर्क नहीं है जो पंजाब की पीपल्स पार्टी की राय है वही सिंध की पीपल्स पार्टी की राय है और दरअसल चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो राय है वही पार्टी की पॉलिसी है और उनकी राय यही है कि मुफाहमद की पॉलिसी खत्म और अब हमने कन्फ्रंट करना है लाइक ए रियल अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी जो मुझे बहुत आ, खुशी हाँ जब बाकी जो बाकी जो है अपना ये रैलीस की बात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बात तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में देखें ना पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल देखें पार्लियामेंट के अंदर पनामा लीगस के इश्यूज पे और हुक्मरानों की करप्शन के इश्यूज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडिंग रोल है आप एत आसन साहब को ले लें आप खुर्शीद शाह साहब को ले लें नेशनल असम्बली में भी और सैनट में भी उनका एक लीडिंग रोल है और वहाँ पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मिल के चल रहे हैं और दूसरी जमातों को भी साथ शामिल करके ये मिल के मामला चला रहे हैं और टी ओ आर का इशू हो या वहाँ बिल लाने का इशू हो ये जुमला मामला में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं और इसी तरीके से बट बिट, बिट, साहब एक सवाल करने की इजाजत दें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी ये सवाल आपके लिए आ, भी उतना ही है आ, और शायद बुखारी साहब के लिए भी उतना ही कि अभी अगर देखा जाए कि 2018 में इलेक्शन जिस तरह से होने हैं और पांचवा बजट हुकूमत पेश कर देती है तो फिर किसी भी टाइम इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं तो टाइम जो है वो थोड़ा रह गया प्रैक्टिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो है वो इलेक्शन मोड में इलेक्शन की तैयारी में होंगी तो ये वक्त सही है मुनासिब है इलेक्शन अगले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सामने रखते हुए ये तमाम चीजें अचीवेबल हैं उससे पहले पहले हाँ ये बिल्कुल दरअसल बात जो है वो ये है कि इस वक्त इत के हवाले से और करप्शन को इरेडिकेट करने के हवाले से इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पे है हमारी पूरी कौम कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान जो है वो इिस के कटहरे में आए हैं इससे पहले तो ये होता है कि जो हुक्मरान आए चाहे वो फौजी डिक्टेटर थे चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट थी जो भी आए उन्होंने साफ का कानून बनाया तो वो कानून भी ऐसे बनाया कि अपने लोगों को बचाने के लिए और मुखालफों को फंसाने के लिए और इसी तरीके से वो अमल करते रहे कि मुखालफों को फंसाते रहे उनके खिलाफ झूठे केस बनाते रहे ये पहली दफा ये हुआ है कि okay. पनामा लीगस के हवाले से हुक्मरान जो है वो इस साब के कटहरे में आए हैं और इस वक्त एक नादर मौका है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि वो अपने हुक्मरानों को को साफ सुथरा देखना चाहती है जैसे सिविलाइज मुल्कों में है, है कि वो हर किस्म के राइट आप कहते हैं कि पहला में मौका है, है। पाकिस्तान कि जो हुक्मरान है वो एहतसाब के कटहरे में आए हैं एक ब्रेक ले लें तो वापस आएंगे आहा. जुबैर साहब से जानेंगे कि फिर एहतसाब के कटहरे से हुक्मरान निकलेंगे कैसे और इन तहारीख को सामने रखते हुए पाकिस्तान मुस्मिंग नवाज का लाहे अमल क्या है और एहतजाज साहब तो कहते हैं कि हमारे टी जब तक नहीं मानेंगे वजी अजम का छुटकारा नहीं है तो वजीरजम का छुटकारा कैसे होगा एक वक्फे के बाद वेलकम प्रोग्राम में फिर से खुश आहमदीद जुबैर साहब जिस तरीके से बात हुई कि वजीरजम पाकिस्तान को खुद को पाक करना चाहिए जवाब देना चाहिए तो अब ये पैनामा लीग्स की तहकीकत के हवाले <coughs> से जो अपोजिशन ने एम के एम के अलावा बाकी अपोजिशन पार्टीज ने सेनेट में बिल जमा कराया है पैनामा पेपर्स इंक्वायरी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन भी ये एक्सेप्टेबल है हम भी करवा रहे हैं करवा रहे हैं नेशनल असेंबली में अच्छा और उसमें क्या चीजें उसमें बेसिकली एक तो इन द लाइट जो हमने जब खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने जवाब दिया था जिसपे एक तो 1956 एक्ट के हवाले से के उन्होंने जिक्र तो, किया था कि टूथ प्लस हाँ. है तो उसको रीवैम्प करने के लिए पर्मांट सोल्यूशन ये नहीं कि वन टाइम उसके लिए हुँ. और चीजें हैं ताकि उसमें आप देखो दो चीजें होती हैं में तरमीम लाने की तरह तो देखते हैं अब आगे जाके कैसे होता है देखें बात यह है कि एक तो ये कहना कि जी पनामा पर इंक्वायरी होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए और बहामस में ऑफ है तो उसकी नहीं होनी चाहिए ये मतलब कोई मंतक है कि जी वो तो बाहर वाले ने लिखा था उससे क्या ताल्लुक है अगर मैंने गलत काम किया है टैक्स अभिजन किया है तो पनामा में आया या नहीं आया है, उससे क्या फर्क पड़ता है प्राइम मिनिस्टर पर इन्होंने इल्जाम लगाए इन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर असेंबली में आया जवाब दें प्राइम मिनिस्टर असेंबली में गए जवाब दिए तो ये भाग गए असेंबली से उठ के अब हमने इमरान खान के खिलाफ सात आठ दस इल्जाम लगाए हैं फ्रॉम टैक्स एविजन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ श्योर कंपनी नन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स सोर्सेज ऑफ इनकम को रिवील ना करना तमाम फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और कितने पीरियड्स आ दिया 1981 से लेकर 2015 तक लेटेस्ट मैं आपको बता सकता हूं और मैं चैलेंज करता हूं शमशाम बुखारी साहब को मैं तैयार हूं जितने भी इनके इल्जाम है उसके जवाब देने के लिए दिफा करने के लिए ये क्या तैयार है जवाब देने के लिए आए इमरान खान इमरान खान आए असेंबली में जवाब दें और उसको छोड़ देखिए आप अब तैयार है दिफा करने के लिए आप वजीरम खुद करें दिफा इमरान खान खुद बात यह है कि वजीर आजम ने वजीर आजम तो असेंबली में गए ना गए या नहीं गए इमरान को हम कहते हैं कि आप जवाब भाई आप जिन चीजों पर कंटेनर में खड़े होकर कह रहे हैं ऑफशोर कंपनी हम कह रहे हैं आपने ऑफशोर कंपनी बनाई तीस साल तक वो ऑफशोर कंपनी थी आपने एक दफा रिपोर्ट नहीं किया आपने फ्लैट खरीदा इंग्लैंड में आप ये कहते हैं मैं इंग्लैंड में खेलता था सॉरी आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम जो आपने रिवील किया आप आपने एक, अच्छा एक लाख रुपए ये, ये जो बिल में चीजें हैं जो ये कह रहे हैं कि जी वो अकाउंट्स तक रसाई हो और फिर मुल्क से बाहर भेजे गए सर की खोज के लिए भी ऑडिट ऑडिट होना चाहिए ये एक्सेप्टेबल है एक ये वो कहते हैं सारे जो कितनी हुकूमतें आई हैं और कितनी चली गई हैं कल जो कैबिनेट मीटिंग में हमने पेश किया था और जो अप्रूव हो गया है कि हमने दो साल का जो एफर्ट था इनके कहने पर नहीं हम आते ही हमने शुरू कर दिया था स्विट्जरलैंड से और हंड्रेड कंट्रीज Okay. के साथ बायलेटरल एग्रीमेंट हमारा हो गया है जो 14 या 15 सितंबर को साइन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं दो साल के वी हैव मेट ऑल द कंडीशन टू शेयर इंफॉर्मेशन किसी पाकिस्तानी का विद रिगार्ड टू अकाउंट विद रिगार्ड टू एसेट्स विद रिगार्ड टू एवरीथिंग पीपल्स पार्टी वाले बैठे अच्छा मंसूर भट्टो भी बैठे थे शमशान साहब भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे साठ मिलियन डॉलर का जब वो केस हो रहा था तो वो कर क्या रहे थे साठ मिलियन डॉलर तो को बड़ा से। क्लीन होना अर्ण चाहिए सादिया अर्ज़ ये है कि मेरे भाई जो वजीरबात वीर हैं ये जोश खिताबत में ये भूल जाते हैं कि ये तो इमरान स्पेसिफिक हो रहे हैं इमरान खान ने तो खुद अपने आप को पेश कर दिया इनके पास नैब है इनके पास एफ आई ए है बात सुने बात सुने मैं आपकी बात में बोल रहा हूं घबरा क्यों रहे हो घबराएं तो नहीं आप तो वजीर है भाई हम तो नहीं सुन तो लें जुबैर आप बात सुनेंगे तो लोगों को पता लगेगा ना आप वजीर जरूर है मगर बोलने का हक तो लोगों को भी है ना दूसरों को भी है बात यह है जी कि ये इमरान खान ने अपने आप को सबसे पहले पेश कर दिया और इनके पास तमाम एजेंसीज़ हैं ये सामने लाएं हम उसका जवाब देंगे बिल्कुल इमरान खान उसका जवाब देंगे ये जिसको मर्जी चैलेंज देते हैं जिस लेवल पे देते हैं हम वो चैलेंज कबूल करते हैं लेकिन इनको ये कहें कि जो खुद अच्छा। टीवी पे आके और कौमी असेंबली के फ्लोर पे आके वजी आजम साहब ने फरमाया है और इनके वजरा साहेबान ने फरमाया है जरा खुद को भी पेश कर दे ये तो दूध के धुले हुए हैं जदा रिटर्न है इनमें तो कोई मसला ही नहीं है ये खुद को अपने आप को पेश कर दे और अपने आप को पाक कर दे वरना अगर नहीं करना था नहीं कर सुन ले अगर नहीं, अगर, अगर नहीं करना था मुझे अगर नहीं करना था तो फिर टीवी या टीवी पे आके खुद को पेश ना करते फिर पेश क्यों किया अच्छा बट जो वटू साहब अभी तक मामला लग रहा है ऑपोजिशन स... और हुकूमत का जो जो भी जवाब दर जवाब आ रहा है उससे लगता यह है कि ये मामला इस तरीके से हल होने वाला है नहीं यू विल हैव टू लुक फॉर सम कॉमन ग्राउंड वो वो क्या हो सकता है जिस जिसपे मुझे तो इस वक्त लग नहीं रहा कोई भी अग्री होने को तैयार है सर 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 ये कॉमन ग्राउंड यही हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी और जमात इस्लामी भी और पी एम एल क्यू भी और सारी सियासी जमातें जो हैं वो यही कह रही हैं कि तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए तमाम लोगों का यानी सारी जमातों के सरबराहों का एहसाब होना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए इमरान खान का भी होना चाहिए और सबका होना चाहिए लेकिन पहले ये बात आई है मौजूदा हुक्रानों की मियाँ साहबान की उनसे शुरू हो जाए और फिर पीपल्स पार्टी का भी हो जाए इमरान खान का भी हो जाए सबका हो जाए इसमें इनको इतराज नहीं होना चाहिए हमें कोई इतराज नहीं एग्रीड है एग्रीड इनको इनको है, तो सब ना साफ करें लेकिन बात वही आ गई वो कह रहे हैं कि जी आजम से आगाज होना चाहिए हुक्मरानों से आगाज होना चाहिए बहुत शुक्रिया मंजूर महू साहब आपका शमसान बुखारी साहब का मोहम्मद जुबैर साहब का आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए दाट सोल्फर फॉर टुनाइट इजाजत दीजिए खुदाफिज